दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय एस्ता न्यूज। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज जो है वो पब्लिक के सामने आ रही है। आप सबको बता दूं कि आज जो है 1 मई है और आज के दिन महाराष्ट्र डे है और इस मौके पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देने पहुँचे थे। और जिस टाइम आदित्य ठाकरे श्रद्धांजलि दे रहे थे उन्होंने अपने जूते नहीं उतारे, ऐसे ही उन्होंने श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया। अब जैसे ही इनकी फोटो ही ये फोटो पब्लिक के सामने आया, ये काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगा। इस फोटो के वायरल होने का एक सबसे बड़ा रीज़न है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। जैसे ही ये फोटो सामने आया, पब्लिक के द्वारा सीधे सीधे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए गए, जहाँ पर उनसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कुछ टाइम पहले योगी आदित्यनाथ के द्वारा शिवाजी के ऊपर जब माला चढ़ाया गया था तो उन्होंने अपना स्लीपर नहीं, अपना चप्पल नहीं उतारा था और अपना चप्पल पहनने पहने उन्होंने माला चढ़ाई थी शिवाजी को। इसको देखते हुए उद्धव ठाकरे के द्वारा टिप्पणी की गई थी कि अगर वो वहाँ पर होते तो योगी आदित्यनाथ को उसी चप्पल से मारना चाहिए था। इस तरह का स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया था। तो अब जो है लोगों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या आदित्य ठाकरे को लेकर भी वो इस तरह का स्टेटमेंट देंगे कि आदित्य ठाकरे ने भी कहीं ना कहीं से शहीदों का अपमान किया है, उन्होंने भी अपने जूते ना उतार कर उनको जो है श्रद्धांजलि दी है, तो क्या उसको लेकर भी आदित्य ठाकरे को लेकर भी इस तरह की टिप्पणी करेंगे वो? क्या उसी जूते का यूज करेंगे जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ के चप्पल को लेकर उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, क्या उसी तरह का इनके आदित्य ठाकरे के जूतों को लेकर इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया जाएगा? संजय राउत को भी यहां ट्रोल किया जा रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि संजय राउत ने भी उस टाइम योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी आज के सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा उस पर भी उन्होंने सफाई दी थी, तो क्या आज जो है आदित्य ठाकरे को लेकर भी संजय राउत के द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा या नहीं? इसको लेकर बाय द वे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है, इसको लेकर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे सवाल उठाए जा रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।